हेलो दोस्तों, जय हिंद। डॉगीज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं लाया हूँ आपके लिए एक ज़बरदस्त डॉग ब्रीड जो है फ्रेंच मैस्टिफ। लोग बहुत डिमांड करते हैं इस ब्रीड की दोस्तों, और ये बहुत ही एक डार्क चॉकलेट कलर में, जो कि बहुत रेयरली अवेलेबल है, बहुत रेयर मिलता है, वो कलर मेरे पास आया तो मैं सराहा नहीं गया। मैं चलो, जो भी मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और प्यार करते हैं उनके लिए मैं एक वीडियो बना लेता हूँ। सो आप देख सकते हो क्वालिटी दोस्तों, नोज को पर रिंकल, 1, 2, 3 आईज को पर रिंकल एंड नो डाउट हेयर साइज काफ़ी रॉन्ग। तो काफ़ी अच्छा इसके मसल्स, काफ़ी स्ट्रॉन्ग मसल्स है। कल ये हैवी, बहुत ही हैवी बड़ा हेड का एक जो डॉग है हमारे दोस्तों, ये एक बड़े हेड साइज़ का, इसका हेड साइज जो डॉग है दोस्तों, इस हेड साइज काफ़ी बड़े हेड साइज का रिंकल वाला बच्चा बनने जाता बनेगा ये डेफिनेटली। एंड कलर टेक्सचर बहुत अच्छा है। तो जो लोग चाहते हैं अपने घर पे एक जाइंट गार्ड प्लस फैमिली डॉग रखना, वो इसको अडॉप्ट कर सकते हैं दोस्तों, इसको ले सकते हैं, इसको बाय कर सकते हैं हमसे, और किसी भी क्वारीज हो हम कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बहुत ही रफ एंड टफ ब्रीड दोस्तों, ज़्यादा ग्रूमिंग की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि इसके हेयर शेड शॉर्ट है, तो ज़्यादा ग्रूम की जरूरत नहीं पड़ती, और उतना ज़्यादा ये गर्मी भी नहीं मानता। एंड अगर आपके पास एसी है या नहीं है, कैसे इन्वायरमेंट रख सकते हो, बट जैसे कि इसकी साइज़ बड़ी है तो हमें क्या करना होता है दोस्तों, इसके लिए हमें घूमने फिरने के लिए स्पेस होना चाहिए। अगर आपको उस घूमने फिरने का स्पेस है तो इसको रखिए, अगर घूमने फिरने का स्पेस में अगर प्रॉब्लम है नहीं है तो आप इसको अडॉप्ट कीजिए, मत रखिए, क्योंकि इसको ज़्यादा स्पेस चाहिए घूमने फिरने के लिए दोस्तों, क्योंकि मैस्टिफ ब्रीड है, बोन के आने टाइम बोन के प्रॉब्लम होता रहता है। तो खाने में क्या करना आपको दोस्तों, खाने में कैल्शियम जरूर इंट्रोड्यूस कीजिए, क्योंकि खाने में कैल्शियम नहीं रहेगा तो आने टाइम में कैल्शियम की कमी हो जाएगी, जिसकी वजह से इनको कई बोन्स की प्रॉब्लम आता है, बोन्स जोड़ों में दर्द ये प्रॉब्लम्स आता है और इनका बुढ़ापा थोड़ा सा खराब जाता है। तो ध्यान रखिए, अगर ये ब्रीड ले रहे हो तो खाने का ध्यान रखना, उनके डाइट को ध्यान रखना एंड कैल्शियम जरूर इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है दोस्तों। एंड जो लोग स्पेशली नॉन वेज वगैरह नहीं खाते, वेजिटेरियन रखते हैं, उनके लिए स्पेशल कैल्शियम मल्टीविटामिन टाइम टू टाइम इंट्रोड्यूस करते रहना चाहिए। एंड दोस्तों, जो प्राइस रेंज की बात करते हैं, कई लोग कहते हैं भैया प्राइस बता दिया करो, अब प्राइस क्या बताओ दोस्तों, क्योंकि जो जैसा क्वालिटी वैसा रेट, इसी में फ्रेंच मैस्टिफ मगर थोड़ा सा लो कैटेगरी होगा दोस्तों, रिंकल्स कम होंगे, फादर मदर लाइन्स अगर कमजोर होगा तो 15,000 का आराम से मिल जाता है। उससे स्ट्रॉन्ग लाइन के लेंगे, जैसे ये पपीज है दोस्तों, ये 25,000 का मेल है, 10-10 सीधा बढ़ेगा, क्यों, क्वालिटी के पैसे बढ़ते हैं। फिर लोग कहते हैं सस्ता सस्ता ही मिलता है दोस्तों, बट क्वालिटी और फादर नहीं, इसका जो फादर है वो इंडिया चैंपियन के ग्रैंड सन है, ठीक है ना। तो दोस्तों, इतना लंबा ब्लड लाइन बहुत स्ट्रॉन्ग, इसके से रेट हाई होता रहता है, इससे और स्ट्रॉन्ग लेंगे। अब मैं मार्केट में गया था डॉग शो में, 60-60 हज़ार का फ्रेंच मैस्टिफ बेच रहे थे, क्यों, रिसेंटली फादर उसके चैंपियन बन के हटे हुए थे, मदर फादर दोनों उस लाइन चैंपियन के थे, तो 60,000 तक जाता है, जब 15,000 से लेकर 60,000, वेरिएशन ग्राफ काफ़ी हाई है, जैसा क्वालिटी वैसा रेट। तो दोस्तों, कई बार क्या होता है कि इसके हिसाब से हमें वेरिएशन क्वालिटी के अकॉर्डिंग प्राइस जो है वो अप एंड डाउन होता रहता है, जैसे क्वालिटी बढ़ता जाएगा प्राइस बढ़ता चला जाएगा, क्वालिटी कम होगा रेट भी कम हो जाएगा। दोस्तों, फ्रेंच मैस्टिफ बहुत ही बेहतरीन डॉग आप देख रहे हो। सो अगले डॉग में इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ दोस्तों, मेरा फेवरेट रॉटवीलर। अभी थोड़ा सा मैंने रॉटवीलर दिखाया था आप लोगों को, मैंने उसमें थोड़ा सा एज फैक्टर का फर्क था, सो लोगों को पंच पे रॉट को देखने आते हैं ऐसे मेरे घर का। आ जाओ, आ जाओ, कंसल्ट करो, कैसे है दोस्तों, कमेंट करके आप बताइए कि कैसा लगा ये रॉटवीलर मेरा। नॉट साइज देखो, एक उंगली, ये स्टॉप, स्टॉप कितना अच्छा है, स्टॉप का फर्क क्या है कि कल जो बच्चे का हेड साइज बहुत बड़ा जाएगा, पंच फेस में बच्चा जाएगा, क्योंकि ये स्टॉप देखो, अगर स्टॉप नहीं होता हमारा कॉस्ट से इरिट परेशान हो रहा है। और इसकी क्वालिटी कैसी है वो देखकर इस वीडियो में ज़रूर बताना कि भैया क्वालिटी कैसी लगी, ठीक है ना। सो ये रॉटवीलर मेरा फेवरेट, और दोस्तों जल्द ही एक रॉटवीलर का डॉग इम्पोर्ट करवाया है, उस वीडियो को मैं जल्द ही उस रॉट का विलर एडल्ट जो इम्पोर्ट करवाया है वो आपके पास सामने लाने वाला हूँ। टच में रहिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए जो लोग न्यू सब्सक्राइबर है, मैं बहुत ही ज़बरदस्त रॉट विलर आपके सामने इंट्रोड्यूस करने वाला आने टाइम के लिए। एंड ये रहा फैमिली प्लस गार्ड डॉग, एक अच्छा फैमिली, ओल्डेस्ट ब्रीड में से एक है, पुराने ब्रीड में से एक है, बहुत ही बढ़िया फैमिली प्लस गार्ड डॉग है। अब तो कई यूट्यूबर्स इतने वीडियोस डाल चुके हैं रॉट का, जिसमें वो बता चुके हैं कि ये बिल्कुल भी अग्रेसिव नहीं है, कहीं 2 साल के बच्चे साथ खेल रहा है, कहीं 1 साल के बच्चे साथ खेल रहा है। तो ज़बरदस्त डॉग ब्रीड रॉट विलो, और क्वालिटी
ओके एक जबरदस्त मस्कुलर जाइंट ब्रीड जिसको लेके अगर रोड पर निकलते तो प्राउड फील होता है कि हाँ कुछ है 50-60 किलो से अब वेट चले आता है और एक जाइंट जबरदस्त ब्रीड है जब प्रेशर जब ये पुशअप होता है जब खींचता हमें तो पता लगता है कुछ ब्रीड है तो जिसके पास अगर ओल्ड बूढ़े लोग हैं या छोटे बच्चे तो आप इसको अवॉइड कीजिए घर पर अगर कोई जवान बंदा है जो उसको टैकल कर सकता है तो आप इसको लीजिए सुबह शाम वॉक कराना सोशलाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है एंड इसके बाद हम ब्रीड की बात करते हैं ब्लू आइज ब्लू कलर अमेरिकन बुली दोस्तों ब्लू आइज और ब्लू कलर अमेरिकन बुली का बहुत डिमांड है आप देख सकते हो तो दोस्तों ये एक ब्लू आइज ब्लू कलर का अमेरिकन बुली है अगेन फैमिली प्लस गार्ड डॉग एक अच्छा ही फैमिली प्लस गार्ड डॉग है घर के लिए बहुत अच्छा है गार्डिंग पर्पस के लिए बहुत अच्छा है घर को प्रोटेक्ट करता है हमारे फैमिली को प्रोटेक्ट करता है बहुत ही जबरदस्त ब्रीड है ब्लू कलर आइज में है एंड कलर टेक्सचर देख सकते हो अल्टीमेट ब्रीड अगेन ग्रूमिंग की जरूरत बहुत कम पड़ती है क्योंकि इनके हेयर साइज़ कम है बाल इनके काफ़ी छोटे हैं तो इनको ज़्यादा ग्रूम करने की जरूरत नहीं पड़ती ज़्यादा एसी वगैरह मैंडेटरी नहीं है किसी भी एनवायरनमेंट पर आसानी से अडेप्ट हो सकते हैं आजकल इंडिया में बहुत ज़्यादा डिमांड पे मेरे पास मैक्सिमम कॉल होता है भैया अमेरिकन बुली तो स्पेशल सदर्न साइड से बहुत 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 जाते हैं डॉग्स जो है सदर्न साइड काफ़ी जाते हैं अगेन बहुत ही जबरदस्त ब्रीड दोस्तों स्टार्टिंग प्राइस जो है इसके 15,000 से लेके 15, 20, 25, 50, 60, 70 तक रहता है जैसे जैसे क्वालिटी अप होता चलाएगा ब्लड लाइन स्ट्रांग होता चलाएगा क्वालिटी अप होता चलाएगा वैसे ही इसके रेट्स बढ़ते चले आते हैं ठीक है दोस्तों तो कहीं से भी लीजिए ध्यान दीजिए कि अच्छे बच्चे होना चाहिए फादर मदर स्ट्रांग होना चाहिए पिटबुल एंड बुल्ली के बीच में क्या डिफरेंस बता रखा था आपको मैंने आप देख सकते हो इसमें इन गर्दन का साइज़ ना के बराबर है ठीक है ना प्राइस में दिखाओ स्टूडेंट जिनके प्राइस दिखाओ ठीक है ना सो एक जबरदस्त ब्रीड और इसके मजल्स सो बेहतरीन ब्रीड घर पर रखने के लिए ब्रीड और बहुत ही पसंदीदा ब्रीड इसके बाद नेक्स्ट जो डॉग सीरीज में आता है हम सबका प्यारा लॉन्ग कोट जर्मन शेपर्ड हम सबका फेवरेट लॉन्ग कोट जर्मन शेपर्ड देख सकते हैं कान के पीछे बाल देखो जैसे बोलता हूँ हर बार कान के पीछे बाल सर के पीछे ये लॉन्ग हेयर स्टाइल इतने लंबे लंबे कान के पीछे कानों के पीछे बाल ये देखो गुच्छा है पैरों के पीछे देखो ये बालों का गुच्छा है पंजों के सेंटर पे देखो ये सब और बोन साइज देखो दोस्तों ये देखो आप देख सकते हो मैं एक लंबा छोटा बंदा हूँ मेरे हिसाब से इस बच्चे का पंजे कितने स्ट्रांग अभी से सो दोस्तों नो डाउट कहीं कहते भैया आप रॉटविलर जर्मन से जोर जा डालते हो भैया ये ब्रीड मुझे बहुत पसंद है और इसकी ब्रीडिंग स्पेशली मैं करता हूँ लॉन्ग कोट के स्टड मेरे पास है एंड रॉटविलर के स्टड्स मेरे पास है इनकी ब्रीडिंग मैं बहुत करता हूँ क्योंकि मुझे ब्रीड बहुत पसंद है मेरे पहले डॉग था ये रॉटविलर जर्मन शेपर्ड एंड रॉटविलर इसलिए ब्रीड से बहुत पसंद है और जबरदस्त फैमिली प्लस गार्ड डॉग है बार्क साउंड अल्टीमेट कॉलोनी में कोई भी आए अलर्ट कर देता है भाई कोई आया है बी अलर्ट बहुत ज़्यादा किसी भी एज के बच्चे बूढ़ों के साथ ही अडॉप्ट होता है अपने आप को ये ढाल लेते हैं बच्चे और बूढ़े होते हैं अडॉप्ट कर लेते हैं एंड फैमिली के लिए बहुत अच्छा डॉग है और ये देखो टेल कितना मोटा है कोई जूम दूर से बोलो हमसे टेल साइज देखो कितना हेल्थ कितना मोटा टेल साइज है तो एक जबरदस्त लॉन्ग कोट पपी सो अगेन इसके बारे में जितनी तारीफ की जितनी कम है गर्मी का टाइम आ रहा है लॉन्ग कोट वही ले जो इन्हें केयर कर सकते हैं ग्रूमिंग कर सकते हैं जिनके पास टाइम नहीं है केयर ग्रूमिंग का ऑफिस में रहते हैं दिल्ली के बिजी शेड्यूल में रहते हैं गर्म इन्वायरमेंट है वो आप इसको अवॉइड करो आप शॉर्ट कोट में कन्वर्ट हो जाओ शॉर्ट कोट का सस्ता पड़ता है वो 10-12 हज़ार में आराम से मिल जाता है ये थोड़ा उससे महंगा ही पड़ता है एंड विथ केसर पेपर माइक्रोचिप लेंगे तो वेरिएशन काफ़ी आता है रेट के अकॉर्डिंग एंड दोस्तों प्रॉपर रेट मैं क्यों नहीं बोलता हूँ पहले हर एक वीडियो में बोला करता था मैं फिर आसेस बंद कर दिया इसके पीछे बहुत स्ट्रॉन्ग रीज़न है इसके पीछे मैं जल्दी आपको बताने वाला हूँ कि मैं रेट्स करना क्यों कम किया और अदरवाइज़ तो मैं खुश हूँ रेट बता के बट क्या करूँ आप लोगों के वजह से कुछ एक गलतियाँ ऐसे भी जो मैं बताने वाला हूँ मैं एंड जो लोगों ने सर दोस्तों ये ब्रीड पसंद आया हो
तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच, जो डे बाय डे मेरी फैमिली इतनी बढ़ रही है ना, आई थिंक अभी साल हुआ है और साल के अंदर आई थिंक 180 एज वेल समथिंग मेरे सब्सक्राइबर, जो फैमिली बढ़ चुकी है, फैमिली इतनी अच्छी फैमिली, इतनी बड़ी फैमिली बड़ी दोस्तों, बहुत खुश हूँ मैं। इतना जल्दी आप लोगों के प्यार की वजह से चैनल इतना ग्रोथ कर रहा है, आप लोग शेयर दबा कर रहे हैं, लाइक दबा कर रहे हैं एंड मोटिवेट करते, आप लोग अच्छे कमेंट्स सर मुझे मोटिवेट करता है कि मैं कुछ अच्छा करूं, और हमेशा ट्राई में लगा रहता हूं कि मैं आपके लिए अच्छा करूं और आपके लिए एक से एक अच्छी से अच्छी ब्रीड लेके आऊं, ताकि डॉगीज वर्ल्ड आने वाले टाइम में सिर्फ और सिर्फ क्वालिटी के, ताकि आप इंडिया में ये हो कि एक ब्रांड मैं बनाना चाहता हूं कि अगर कोई क्वालिटी लेना है तो डॉगीज वर्ल्ड को फ़ोन करो। दोस्तों सस्ते बच्चे आते हैं, मेरे पास कॉल्स आता है कि भैया जर्मन शेफर्ड के बच्चे मेरे सेल करवा दो, 3,000 के दूंगा भैया, 5,000 के दूंगा, मेरे पास ऑफर्स आते हैं, मैं 3-5 में दे सकता हूँ, बट जब जाता हूँ उसके पेरेंट्स चेक करता हूँ, मदर चेक करता हूँ, पप्पी क्वालिटी चेक करता हूँ, मैंने कहा भैया माफ़ करो, मुझे इज्जत कमाना है, पैसे नहीं कमाने, पैसे कमाने वो 3-4 हज़ार के लेके आराम 7-8 हज़ार में 10 हज़ार आपको बेच सकता हूँ मैं, पैसे कमा सकता हूँ मैं, बट नहीं, इज्जत क्या, कल 6 महीने बाद साल बाद जब वो बड़ा होगा तो आप लोग गाली दोगे, तो अनिल सोडाई कभी किसी की गाली नहीं खा सकता, ठीक है ना, एटीट्यूड। सो इसीलिए मैं सस्ते बच्चों में डील नहीं करता, मिलता गढ़ में बैठा हूँ, अम्बाला कैंट ट्रेडिंग हब है पूरे इंडिया का, बच्चों यूपी वालों ये ट्रेडिंग हब है, हमारे यहाँ से बच्चे आप लोगों के पास जाता है, सबको नहीं कह रहा, 2-4 हैं जो अम्बाला वालों का नाम लेते हैं, बेवकूफों का कह रहा हूँ मैं कि बेटा सस्ते बच्चे लाइन लगा दूँ मैं, बट जिस तरह आप लोग गाली खाते हो डॉगीज में जाते कि डॉगीज वर्ल्ड को गाली दें, तो इस इतना क्वालिटी ओके रिपोर्ट है, इज्जत के मारे भाई, कल ये बच्चा बड़ा होगा उसको देख के 10 लोग आएंगे और 10 लोग तारीफ करेंगे, सस्ते के चक्कर में वो रेट में बता सकता हूँ, वो रेट में बच्चे ला सकता हूँ जो सोच नहीं सकते आप लोग, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ से आपको डिलीवरी पड़ता है, मेरे को डिलीवरी नहीं पड़ेगा, फ्री पड़ेगा मेरे को बच्चा, सो थोड़ा ध्यान दीजिए, अम्बाला बहुत ही जबरदस्त, बहुत प्यारा शहर है, प्यार वालों का शहर है, दिल वालों का शहर है, हरियाणा पंजाब हमारा दिल वालों का शहर है, डॉग्स का हब है, और प्लीज़ इसको कमेंट ना करें, शहरों का नाम मत लीजिए, आप में प्रॉब्लम है लीजिए, हरियाणा पंजाब में आप 1,000 रुपये से लेके 1 लाख तक 10 लाख तक के बच्चे ले लो यार, लाखों में लोग इन्वेस्टमेंट करो, 1.5-2 करोड़ के डॉग लेके बैठे हैं हरियाणा पंजाब में, सस्ता भी है तो महंगे भी है, अब कबाड़ी वाली जो है वो कबाड़ा लेंगे और आगे कबाड़ बेचेंगे, बट डॉग इज वर्ल्ड उन कैटेगरी में नहीं आता, ठीक है ना, तो ध्यान दीजिएगा, और जो कबाड़ी वाले हैं आप लोग कह रहा हूँ तो यार कबाड़ी मत बनो, सामने वाले पैसा खर्च कर रहे, क्वालिटी दो यार उनको यार, अब ट्रेन में बहुत बच्चे जाते हैं यहाँ से देखता हूँ मैं, उनकी क्वालिटी देख के एक बकेट में मेरे एक अकेला बच्चा आता है, उनका एक बकेट में 5-5-6-6 बच्चे जाते हैं, और ये मैं नहीं कहता, हमारे एक बच्चे भैया मैंने यूपी में, वो कहता भैया जी उनका रॉटवीलर अकेले एक बकेट में था और वहाँ पे दूसरे बंदे का 4 बच्चे थे एक ही बकेट में, तो दोस्तों ऐसा नहीं है, सस्ते जी सस्ते भी मिल सकते हैं, बट उससे नाम खराब होगा, और चाहता है कि मेरा नाम खराब हो, इज्जत कमाए, बड़े मुश्किल से इज्जत कमाया जाता है दोस्तों, उसको मेंटेन करना बहुत मुश्किल है, तो लगा पड़ा हूँ, एंड आप लोग को प्यार का बहुत सपोर्ट, प्यार दबा के मिल रहा है, आई थिंक जल्दी 2 लाख होने वाले हैं मेरे फैमिली, आप टीम सभी हम 2 लाख में हम क्रॉस करने वाले हैं, एंड जो पुराने दोस्त लोग कमेंट किया करते थे जतिन भाई और सभी लोग दोबारा जोड़ रहे हैं तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, एंड सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, फैमिली इस फैमिली को और बढ़ाओ, आप लोग मुझे मोटिवेट करते हो, हिम्मत देते हो अच्छे क्वालिटीज़ कराने के लिए, अदरवाइज क्या है नथिंग, सो मोटिवेट करते लीजिए मुझे, ताकि आप लोगों के पास में एक से एक ब्रीड लेके आता रहूँ, और कई दोस्तों एक दूसरे ब्रीड है अकीता कैन कोर्स उनकी वीडियोज़ बनाने वाला हूँ दोस्तों मैं, तो सपोर्ट कीजिएगा दोस्तों, ताकि मैं आप लोग के लिए और एक से एक ब्रीड लेकर आता रहूँ, एंड हैव अ ग्रेट डे, जय हिंद, एंड वन मोर थिंग, अभी इसको खाने में क्या दे रहा हूँ मैं आपको भी दिखाता हूँ, लास्ट टाइम आपको मैं दिखाया मैंने लस्सी और दूध दिया था, छाछ दिया था, अभी देखो आज मैं खाने में इसको मैं क्या दे रहा हूँ, चिकन लीवर है, चिकन का लीवर है और ये दलिया है, इनको मैश कर रखा है, इनको प्रॉपर मैश कर रखा है, तो जी हाँ दोस्तों चिकन लीवर और दलिया, तो आज का डाइट है चिकन लीवर एंड दलिया, और आप देख सकते हो ये कैसे खा रहे हैं, सब बच्चे दबा कर डूडे खा रहे, सो नेक्स्ट वीडियो में था लस्सी दही, अब है चिकन लीवर एंड दलिया, एंड और भी साथ में क्या डालने वाला हूँ दोस्तों, इसमें आप गाजर बीटरूट बीन्स पालक ये सब ऐड कीजिए, आज तो फिलहाल वीडियो बना रहा था, नेक्स्ट टाइम में ये सभी ऐड कीजिए, इसमें ऐड करोगे दोस्तों आप इसमें गाजर बीन्स वेजिटेबल्स सीजनेबल फ्रूट्स वेजिटेबल्स डालो उसमें, और बॉइल्ड करके चिकन थोड़ा डाल के दीजिए, बच्चे देखो दबा कर खाएंगे, ग्रोथ क्यों नहीं बनेगी, हट्टे कट्टे बनेंगे, ठीक है ना, सो
एंड टेल से दिखाता हूँ जर्मन शेफर्ड का। ये देखो जर्मन शेफर्ड का टेल जमीन में टच्ड है, वाओ क्या क्वालिटी है, जबरदस्त। एंड दिल खुश हो गया खा रही है, देखो बुल्ली बेटा को खाना दो। सो हैव ए ग्रेट डे, पसंद आया तो लाइक ठोकिएगा, कमेंट दिल खोल कीजिएगा। हैव ए ग्रेट डे, बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।